पार्ट के अंदर 72/7 है, सॉल्यूशन के बाद न्यूमरेटर में 72 और डिनोमिनेटर में 7, न्यूमरेटर वाले ब्रैकेट के अंदर और डिनोमिनेटर बाय डिवाइड के अंदर। देन 7 10 टाइम इज 70, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 7 में 7 माइनस करेंगे 0। अगेन एरो लगाने के बाद जो 2 नीचे लिखा गया है वो ऊपर आ जाएगा और 10 जो साइड में है वो लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा और 7 जो साइड में वो नीचे की जानेब आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद से सॉल्व करना। देन नेक्स्ट है 229 डिवाइडेड बाय 29, 229 अंदर और ब्रैकेट के बाहर 29। तो 29 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 टाइम इज 54, 6 2 टाइम इज 12, 5 प्लस करने पे 174। अब भी 229 से लेस है तो 229 को सब डिवाइड करने के लिए 29 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से करके देखते हैं। 7 9 टाइम इज 63, 7 2 टाइम इज 14, 14 प्लस 6 इज 20। अब भी 229 से लेस है, 29 को 8 से करते हैं मल्टीप्लाई, 8 9 टाइम इज 72, 8 2 टाइम इज 16, 16 प्लस 7 इज 23। अब क्या आगे 229 से ग्रेटर, तो ग्रेटर वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम, लेस लेंगे 203। तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 203। अब सब्ट्रैक्ट करने पे 6 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 एंड 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 0, तो रिमाइंडर क्या है 26। अगेन एरो का तरीका, 7 जो साइड पे है वो लेफ्ट कॉर्नर पर, 29 जो लेफ्ट पे है वो नीचे की जानिब और 26 जो बिल्कुल नीचे है वो ऊपर की जानिब आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी से सवाल है। थैंक यू।